जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो केजीएमसी के बाद आज दूसरा कॉलेज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, इलाहाबाद। और हमारे साथ जीशान है यस सर, जिनको इलाहाबाद मिलने जा रहा है। यस सर, इलाहाबाद और किसको मिला? आसिफ, आ जाओ भैया। तो आप लोगों को कॉलेज मिलने जा रहा है इलाहाबाद, ठीक मेन रूट पे है, बिल्कुल अच्छा कॉलेज है, पुराना यस सर। कॉलेज भी है, वेरी गुड। तो इसके पहले जीशान हम लोग ये कर लें कि जो हम लोगों ने पहला वीडियो डाला था यस उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, कुछ यस उनके कन्फ्यूजन थे। तो पहला तो रिसा गुप्ता ने केजीएमयू से किया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, वेलकम टू केजीएमयू। तो केजी मोरे बच्चे सुन ले भाई, वेलकम हो रहा है ना, यही की रिसा थी। अनन्या भदौरिया ने टेस्ट सीरीज फर्स्ट यूनिट 582 फ्रॉम गुना एमपी, जनरल कैटेगरी, एडमिशन टेक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। अब देखिए, हम लोग तो ये बच्चे को जोड़ भी नहीं पाए, ये यस भी बच्ची सेलेक्ट हुई है। जम्मू टेस्ट सीरीज का सीक्वेंस वाइज, हाँ भाई ये बना के दे देते हैं। आर टेस्ट का कमांड शेड्यूल बनाकर अपलोड कर दीजिए, जैसे सारे टेस्ट दे सके, कोई भी टेस्ट मिस ना हो। ठीक है भाई, तो ये हम लोग बना के दे रहे हैं बच्चों को। और एक बच्चे ने ये लिखा था, 490 पर कैसे मिल गया है जनरल कैटेगरी, ये बच्चे का क्वेश्चन है। तो बच्चे का जवाब ये है, ये हम लोगों ने डाला था 490। तो बच्चों को बता दीजिए, 490 पे बच्चे को पीएस में मिला था, फिजिकली हैंडीकैप्ड, यस सर, है ना। फिजिकली तो हैंडीकैप ये मिला। कंफ्यूजन खत्म हुआ है ना, क्योंकि यस सर, हम लोग जो भी रिजल्ट बताते हैं यूट्यूब पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा ही रखते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में, यही तो बात है। यस सर, चलिए, तो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज का हम लोग देख लेते हैं। राउंड 01167 सीट, सीट 167 नहीं, 200 है, यस लेकिन सर, स्टेट काउंसिलिंग हुई है 167 पे। यस सर, तो इसमें जो 167 स्टेट काउंसिलिंग हुई है, इसमें जिसान कितने बच्चे हैं न्यूलाइट के? 29 है सर, अभी फर्स्ट 29, और राउंड ये में करीब 18%। 18%। अच्छा, अब ये बताइए कि 2022 में कितने थे? 2022 में सर 19 थे, पर 19 थे। सर ये सारे राउंड के थे, ऑल राउंड के मिला के। यस अरे बाप रे, ये सारे राउंड के 19 थे, सर, और इस बार केवल फर्स्ट राउंड में ही कितने बच्चे हो गए? 29। 29। तो ये हो गया 167 में, हर पांचवा बच्चा न्यूलाइटियन हो हर गया। पांच। तो इसका मतलब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल तोड़ दिया बच्चों ने, है? यस अब यस सर, आपको लग रहा हो सर अगले साल क्या करने वाले हैं आप, अगले साल और ज्यादा आएंगे। पक्का? यस सर, चलो यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम लोग एक बार जरा रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहली बच्ची हमारी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज की है, प्रयागराज जा रही है, फरहत फातिमा, और इसकी ऑल इंडिया रैंक है 6370, सिक्स सिक्स 52 मार्क्स है सर। 652 मार्क्स है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। ये बच्चे का रिजल्ट और ये बच्चे का आई कार्ड। दूसरा बच्चा बता दीजिए, अंकुर शुक्ला 652 अंकुर इनके भी शुक्ला, हैं और रैंक है 6406। वेरी गुड। और ये बच्चा एसआरबी बैच का है, यस सर, एकलव्य ग्रुप का। ये बच्चे का आई कार्ड और ये बच्चे का पूरा रिजल्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए अगला। अगला बच्चा है सर आस्था सिंह, अयोध्या से अयोध्या, है, 652 इनके भी हैं और 6434 और रैंक है, स्टेट रैंक है 523, स्टेट रैंक 523 है। वेरी गुड। ये बच्चे का चलिए पूरा डिटेल है, इसने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, नहीं फुल सिलेबस भी दिया है, नीट भी दिया, नीट, आरबीटीएस भी दिया है। ये सर जिसान का नाम है। खुद ही आ गए तुम यस, धैर्य ग्रुप से, है? 652 सही लिखा है सब, यस फाइव सर, सेवेंटी टू 651। सिक्स थाउजेंड तो सेवेंटी थ्री कैसा फील हो रहा है? सर, काफी बढ़िया लग रहा है सर यहाँ से। यस काफी नंबर में जा रहे हो, सर, आसिफ भी तुम्हारे साथ जा रहा है, हाँ सी भी जा रहा है है? तुम्हारा जी सर, प्रगति कौन सा ग्रुप था? ग्रुप तो सर प्रगति ग्रुप। कितने सेलेक्ट हुए लोग तुम्हारे ऑलमोस्ट सब हो गए ग्रुप से? है सर, हमारे में भी सारे ही हो गए। करीब यस सर, करीब, करीब करीब एक दो बच्चे। जैबी का बच्चा है अभी, यस सर, है यस मिल सर, जाएगा। लेकिन मिलेगा। चलिए आसिफ और आगे बढ़ाइए जीशान के बाद। जी सर, ये जीशान रिजल्ट का पूरा डिटेल है, इतने ही टेस्ट दिए थे, इसमें टेस्ट कम सर कम है, अभी है तो ना, दिए पूरा थे और ज्यादा। 120 है सर। अगला बच्चा कौन सा है? ये विवेक प्रसाद विवेक प्रसाद बलिया से, 650 है सर, 650 और 572 रैंक है, स्टेट रैंक वेरी गुड। 572। ये भी टेस्ट सीरीज बैच का है, ठीक यस सर, है। अगला सर रजीउद्दीन खान है,
650 है सर। 650 यस और ये सर, ऑनलाइन FLT से है। यस सर, 606 इनकी स्टेट रैंक है। हाँ, एक तरफ और हट जाए तो दिखता रहेगा साफ। अच्छा, ये बच्चे की आपने इनवाइस भी दे दी जो उसने फीस जमा किया है। यस सर, वेरी गुड। अगले सारे हर्षित मोदनवार, आजमगढ़ से, यस सर, 615 के भी है और 617 स्टेट 617 रैंक। रैंक। हाँ, स्वराज सिंह स्वराज सिंह भदौरिया, आ जाना था इनको, यस सर, आ जाना चाहिए सर। 618 रैंक, और ये भी SRB बैच से है, यस सर, सॉरी। प्रतिष्ठा ग्रुप। हाँ, ये पूरा डिटेल है इनका ना। यस सर, अगली बच्ची है सिप्रा राजपूत, CSA वाक ग्रुप, 648 इनका। CSA वाक, ठीक है, वेरी गुड। इनकी डिटेल है, स्वप्निल सिंह, SRB बैच है, क्लबिंग ग्रुप। एक क्लब। धीरेन्द्र प्रताप, एस्पायरेंट ग्रुप। एस्पायरेंट, तो काफी नंबर में तुम लोग जा रहे हो इलाहाबाद। यस सर। ये बच्ची है बनारस टेस्ट सीरीज से, विजय, विजेता पांडे। 647 मयंक आ जाओ भाई, तुम कह रहे थे कि हम सर लखनऊ इलाहाबाद हमारा घर है। हाँ, जी सर। कैसा लग रहा है तुम्हें इलाहाबाद, इतने बच्चे जा रहे हैं? सर अच्छा लग रहा है कि हमें कुछ काम पड़ेगा तो इतने दोस्त हाँ, रहेंगे। आप तुम इंटेलिजेंट आदमी हो। जी सर, आ जाओ यार, तुमको कानपुर मिला, कानपुर का वीडियो बनाना होगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है आदित्य निगम, आदित्य निगम, विश्वास ग्रुप। विश्वास ग्रुप, अच्छा, जो ग्रुप वगैरह बना था उससे फायदा हुआ तुम लोग कुछ? बहुत फायदा सर, है, बहुत फायदा। थर्टीन इनका हो गया, आदित्य निगम, विश्वास ग्रुप हो गया। अनुष्का चौरसिया, 646 ये भी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, वेरी गुड। आ जाओ भाई आसिफ, आसिफ अपनी फोटो देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, है अच्छा लग रहा है। कैद हो गए न्यूलाइट में बेटा, प्रगति, कौन सा ग्रुप तुम्हारा था? प्रगति गुप्ता सर। ये सब कार्ड वार्ड याद आ रहे हैं सब? जी सर, याद आ है, रहा है। 16 नंबर पे कौन आ गया? अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, टेस्ट सीरीज। जी सर, और ये लखनऊ टेस्ट सीरीज से हुआ बच्चा। जी सर, ये इसकी पूरी डिटेल है, 722 लखनऊ में, हमें लगता है इन लोगों को पुराना फॉर्म भेजा गया था। अगला बच्चा सचिन कुमार यादव, सचिन कुमार, टेस्ट सीरीज से, 740 रैंक, जौनपुर, जौनपुर। ये डिटेल है बच्चे का। 18 नंबर पे रयान अब्दुल्ला, ये तो यहीं पे था। जी सर, यहीं का SRB बैच, एस्पायरिंग ग्रुप, 745 स्टेट रैंक। 19 नंबर पे आयुषी पांडे, आयुषी पटेल, आयुषी पटेल, हाँ, फतेहपुर, फतेहपुर, ये भी टेस्ट सीरीज बैच। जी सर, ये डिटेल है बच्चे की। अगला संदीप कुमार वर्मा, घर चला गया। जी सर, घर चला गया, एस्पायरिंग ग्रुप, 585 से 645, SRB बैच। अभिषेक चौहान, 22 नंबर पे श्रद्धा गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता बस्ती से, FST फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, 766। ये बच्ची की एडवाइस है टेस्ट सीरीज की। बताओ, 500 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। शादान अहमद, शादान, कानपुर से, सेवा ग्रुप। ये डिटेल है इनका। नेक्स्ट अंकित विश्वकर्मा, बनारस से, बनारस टेस्ट सीरीज से, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, 785 स्ट्रेट रैंक।
इंद्रजीत जी जी चले सर, गए भी? इंद्रजीत ये भी चलेगा सर हाँ, अटल ग्रुप। जी सर। 793 स्टेट रैंक थी इनकी। हाँ, 26 पे हिमांशु रावत आजमगढ़ उज्जवल जी ग्रुप, सर, 820 एसआरबी स्टेट बैच, रैंक थी। अमन कुमार फुल सिलेबस, जी सर। 28 पे कौन बच्चा है ये? मनीष कुमार चौधरी एसआरबी बैच। जी सर। एंड लास्ट जय नारायण भारती, जय नारायण भारती कुशीनगर। हाँ, अगेन एसआरबी बैच, ये सारे बच्चे का बैच डिटेल है। दोस्तों, जो 167 बच्चों की काउंसलिंग हुई उसमें न्यूलाइट से 29 बच्चे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड मापअप राउंड तक ये बच्चे और जाएंगे। ये 18% रिजल्ट अभी तक है। और जिसमें ये बताओ यार कि इलाहाबाद जो बच्चे जा रहे हैं इसमें फुल सिलेबस टेस्ट से कितने बच्चे हैं? 6, छह बच्चे हैं सर, एसआरबी बैच से 17, बाप रे सत्रह बाप, जी सर, 17 बच्चे और हैं। अदर टेस्ट सीरीज से 6, छह और पिछली बार बच्चे सेलेक्ट गए थे 19 सारा राउंड मिला के, जी सर, और इस बार कितने गए? 29 गए फर्स्ट राउंड, 29। फर्स्ट राउंड में और ये हमारी टीम ने ग्राफ भी बनाया है, 2022 में 19 और 2023 में 29, और ये 19 29 का ये गैप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये ऑल राउंड होगा तो और नंबर बढ़ेगा। परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो 12 से 18% हो गया, एसआरबी बैच 5 से 17 हो गया, और टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज देखें तो 13 था, फिर 7, मतलब 13 पिछली बार थी, इस बार 7 है ऑल टेस्ट सीरीज में। लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में एक बच्चा था, इस बार कितने बच्चे हो गए? 5। जी तो अगर टोटल देख लें तो 7 5 12 बच्चे, पिछली बार थे टेस्ट सीरीज से 13 बच्चे, लेकिन एसआरबी बैच ने काफी अच्छा लीड लिया। काफी अच्छा वेरी गुड। अब बच्चों के फायदे की एक बात कर लें कि न्यूलाइट चांस नहीं है, न्यूलाइट ट्रेडिशन है। अब देखिए कौन कौन से बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए थे, ताकि जो जूनियर बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं वो देख ले कौन कौन से सीनियर है न्यूलाइट के। ये 2022 बाईस 12% न्यूलाइट इन गए थे, ये जरा सा इसको हम लोग स्क्रोल कर दे ताकि बच्चे पहचान लें। पिछली बार के शशांक पांडे थे, ये इनका रिजल्ट था। फिर अगला बच्चा यहाँ का कौन था भाई? दिवाकर सिंह, दिवाकर सिंह, इसको जीशान जरा पढ़ दीजिए। प्राची वर्मा, प्राची वर्मा, सामिया अब्बास, अब्बास, मुकुल सिंह। मुकुल सिंह। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, ताकि आप अपने सीनियर को पहचान लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर कॉलेज में ऐसे ही न्यूलाइट के सीनियर की लिस्ट डाल देंगे, और जब हम लोग साल भर इतनी मेहनत करते, इतनी तपस्या करते, टेस्ट कराते हैं, तो ये बताना जरूरी होता है कि न्यूलाइट का रिजल्ट क्या रहा। और न्यूलाइट का ग्राफ बढ़ ही रहा धीरे है। धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये जे शेप्ड होता जा रहा यस सर, है ना? और नीट 2024 में हम लोग बहुत बड़ी कहानी लिखने के लिए तैयार है। तो बच्चों, अगर आपका सिलेक्शन 5 6 बार से नहीं हो पाया है, आप बहुत परेशान हैं, तो जरूर आइए, कांटेक्ट करिए। और दिन पे दिन मुझे समझ में आता जा रहा है कि नीट में सिलेक्शन सेलेक्ट कराना कितना आसान काम है। बहुत आसान है भैया, रास्ता सीधा पकड़ लो, घास भूसा इधर उधर का मैटर इकट्ठा करोगे, दिक्कत होगी फिर नहीं होगा, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। साल भर हम केवल इसीलिए मेहनत करते हैं, कार्डिया कराने के लिए, और दूसरा ये बताने के लिए कि हमने साल भर किया क्या है। और नीट 2024 का रिजल्ट और शानदार लेके आएंगे। ये जो हर पांचवा पांचवा बच्चा हुआ, छठवा बच्चा हुआ, जो पांचवा हर पांचवा बच्चा है ये और नीचे आएगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सर। जिसान, आसिफ, मयंक जिनको एमएलएन मिला है, और क्या नाम है, हर्षित, हाँ सुबह टहलने वाले नाम भूल जाते हैं, इनको मिला है कानपुर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप भी आइए ऐसे हमारे साथ वीडियो बनाना सेलेक्ट होने के बाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।